नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा प्रत्येक जोन क्षेत्र के वार्डों में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही शिविर निगम भिलाई के वार्ड 15 अंबेडकर नगर में लगाया गया, जहां आए लोगों को अवस्थाओं का शिकार होना पड़ा। भिलाई निगम क्षेत्र की जनता के समस्याओं के निवारण के लिए निगम भिलाई द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को लेकर उसका निराकरण करवाने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही शिविर वार्ड 15 अंबेडकर नगर में लगाया गया, जहां शिविर में पहुंचे हितग्राहियों के लिए न तो बैठने की व्यवस्था दिखाई दी और न ही पीने के पानी की। इन अव्यवस्थाओं को देख वार्ड पार्षद संतोष मौर्या ने तत्काल जोन आयुक्त से संपर्क किया और उन्हें जानकारी दी। बावजूद इसके यह व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई, जिसके चलते शिविर में आए हितग्राहियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन तो किया गया है, अब आज शिविर का पहला दिन है। थोड़ी सी व्यवस्था जो है व्यवस्था में तब्दील है और जिम्मेदार अधिकारी थे नहीं, तो मेरे द्वारा उपायुक्त महोदय से चर्चा की गई, उसके बाद अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं और इनको जो नागरिक आ रहे हैं उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा अभी जोन आयुक्त महोदय से चर्चा की गई है, उनके द्वारा किया कहा गया है कि मैं तुरंत व्यवस्था करवा रही हूँ। निगम भिलाई द्वारा लगाए गए जन समस्या निवारण शिविर के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने गाइडलाइन जारी किए हैं। बावजूद इसके ऐसे स्थलों का चयन किया जा रहा है जहां न बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा पा रही है और न ही पीने के पानी की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।